बिहार में एक तरह जहां बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ललन सिंह ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को केंद्र सरकार का पालतू तोता बताते हुए कहा है कि जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो तीनों तोता को उसके पीछे लगा दिया जाता है। ललन सिंह ने व्यंग करते हुए कहा कि कसाई के श्रापने से गाय नहीं मरती है, बीजेपी और केंद्र को जितना जोर लगाना है लगा ले, लेकिन बिहार की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है। ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी के विरोध में कोई खड़ा हुआ और कुछ बोला तो इनके पास तीन तोता हैं, जो एकदम पालतू हो गया है। बीजेपी ने एक तोता को सिर पर बैठा रखा है तो दूसरे और तीसरा तोता उसके कंधे पर बैठे हुए हैं। ललन सिंह ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को बीजेपी का तीन तोता बताया है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोला कि धड़ाक से तोता को उसके यहां भेज दिया जाएगा। जैसे ही तोता के कान में नाम बोला जाएगा, वैसे ही तोता धड़ से घर में घुस जाएगा। तुरंत सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह पता नहीं है कि बिहार में लोग सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डरने वाले नहीं हैं। जेडीयू जब तक एनडीए में थी तो ठीक थी, और जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी एक हुए, सीबीआई और ईडी के रेड शुरू हो गई। लालू प्रसाद का केस जो फाइनल हो गया था उसे फिर से खोल दिया और जांच शुरू कर दी गई, जबकि सीबीआई ने कोर्ट में लिखकर दिया था कि लालू प्रसाद पर कोई चार्ज नहीं बनता है। ललन सिंह ने व्यंग करते हुए कहा कि कसाई के श्राप से कहीं गाय मरती है, केंद्र को जितना अपने पालतू तोता का इस्तेमाल करना है कर ले, कोई उनसे डरने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन 40 में 40 सीटें जीतने जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह, पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल, प्रखंड अध्यक्ष चिरंजीवी सिंह उर्फ मुंगेरी, सौरभ निधि, लक्ष्मी सिंह, मिथिलेश कुमार उर्फ मंटू मंडल सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। अनुशंसा भेजेंगे और सैकड़ों लोगों को, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 8 लाख रुपया भी अनुदान देंगे। आप आयुष्मान भारत चला रहे, आपकी योजना फेल है। आप कभी आकलन करते हैं? कभी आपने सोचा कि आपका उज्ज्वला योजना, आपका आयुष्मान भारत योजना सर जमीन पर उतरा कि नहीं उतरा? हाँ, करते एक काम जरूर, एक काम जरूर करते हैं कि कोई अगर विरोध में इनके बोला और कोई अगर इनके विरोध में खड़ा हुआ तो 300 तोता है और पालतू तोता हो गया है, दम टोटल पालतू तोता। एक तो यहाँ बैठा है, एक तो यहाँ बैठा है, एक तो यहाँ बैठा है, दो कंधा पर दुर्गो और एगो सर पर, तीन तोता है, एगो सीबीआई, एगो ईडी और एगो इनकम टैक्स। जहां मेरे खिलाफ बोले कि धड़ाक से एक तोता को आपके यहाँ भेज देंगे, आपका नाम लेके, जैसे तोता पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था ना, वैसे ही नाम उसके कान में बोलेंगे और धड़ से तोता आपके घर में घुसेगा और धड़ाक से सीबीआई का रेट करेगा, धड़ाक से ईडी का रेट करेगा, धड़ाक से इनकम टैक्स का रेट करेगा। अरे भैया, कौन यहाँ आपके सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डरने वाला है? कौन यहाँ डरने वाला है? तेजस्वी जी जब तक अलग थे, हम लोग जब तक एनडीए में थे तब तक ठीक थे, और जैसे ही 9 अगस्त को तेजस्वी जी महागठबंधन में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी एक हुए, धड़ाधड़ सीबीआई, तो लालू जी का केस जो पुराना फाइनल हो गया था, जिस पर सीबीआई ने खुद कोर्ट में लिख के दिया कि इन पर कोई चार्ज नहीं बनता है, उसको भी खोल के फिर उसका जांच शुरू कर दिया। ये तो काम कर, कौन डरता, कौन डरता? कहावत है ना, कहावत है ना कि कसैया के सरापला से गाय मरता है। आपको जितना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जितना पालतू तोता का इस्तेमाल करना है करते रहिए। बिहार में महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगा और 2024 में
भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा।